ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों को 68,505 चिकित्सा उपकरण मिले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में 8 जिलों के जनप्रतिनिधि और CMHO को ये उपकरण सौंपे गए। ग्वालियर चंबल अंचल के चिकित्सा के क्षेत्र में दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से निर्भरता कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। सभी के साझा प्रयासों से जय आरोग्य चिकित्सालय समूह से लेकर दोनों संभागों के जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। ये बात केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। श्री तोमर ग्वालियर चंबल संभाग के सभी 8 जिलों को चिकित्सा उपकरण का वितरण कर रहे थे। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और सांसद गुना KPS यादव भी मंचासीन थे। इस दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कार्यक्रम में वितरित किए गए उपकरणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हमारा ग्वालियर चंबल अंचल मेडिकल उपकरणों से पूरी तरह सज्ज हो, यह हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे वो हमारा CT स्कैन मशीन हो, इन सब मामलों को लेकर PM केयर फंड से भी मंजूरी की है पूरे देश भर में और मध्य प्रदेश में। और उसके अतिरिक्त जो PM केयर में नहीं आ पाया उसमें राज्य सरकार ने अपने फंड से भी कुछ जगह इस प्रकार की उपकरणों की स्वीकृति प्रदान की है। ग्वालियर अंचल में जिन स्थानों पर PM केयर और राज्य सरकार की मंजूरी अर्थाभाव में नहीं हो पाई थी, वहाँ हम लोगों ने यह प्रयत्न किया है कि अपने संबंधों के आधार पर कॉरपोरेट हाउस, सामाजिक संस्थाओं से कुछ चीज़ें मांगकर अपने अंचल के हर अस्पताल को उपकरण से सुसज्जित करें। इसलिए आज ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में कहीं ऑक्सीजन प्लांट, कहीं आपका पोर्टेबल एक्सरे मशीन, कहीं CT स्कैन मशीन, कहीं आपका डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनकी संख्या लगभग 300 है, कमिश्नर साहब ने तय किया है कि इस ज़िले में कितने जाएंगे। और इसी प्रकार से मेरे कुछ मित्र हैं जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, उन्होंने कंसंट्रेटर भेजे हैं, कुछ हमारे दिल्ली के मित्रों ने भेजे हैं, तो ऐसे करके बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और ये सभी जिलों में समान रूप से वितरण हो जाएं, ऐसी कल्पना है, जिससे कि आने वाले कल में हमारे अस्पताल में मरीजों को इन उपकरणों की सुविधा का लाभ मिल सके। देखिए, भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन तीसरी लहर नहीं आवे, इसमें हम इंसानों की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वाह हमें करना चाहिए। तेजी के साथ सब लोगों ने मिलकर वैक्सीनेशन करवाना भी चाहिए, दूसरे लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए, जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाए और अगस्त से किसी भी प्रकार की वैक्सीन की कमी नहीं पड़ेगी। अभी जून चल रहा है, अभी लगभग काफ़ी मात्रा में 50-1 लाख लोग को वैक्सीन रोज़ लग रही है और जुलाई में 72 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगेगी और अगस्त में इसकी संख्या और बढ़ जाएगी।
इसलिए वैक्सीन प्रचुर मात्रा में हमको उपलब्ध रहेगी, लेकिन वैक्सीनेशन गांव-गांव हो जाए इस काम में हम लोगों को लगना है।